हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और कोरोना जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि सब अपनी इस वायरस से सुरक्षा कर रखें और ये सब मास्क दिया हुआ है उसी चीज़ के लिए और सभी दर्शकों को इसके लिए रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, अच्छे से अपनी सुरक्षा जरूरी है, बहुत खतरनाक वायरस है। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि 19 तारीख से हिंदुस्तान के मॉल्स, स्कूल, कॉलेज और शूटिंग भी बंद हो रही है, इस पर क्या कहना है? नहीं, मैं हम लोग सब गवर्नमेंट के साथ हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी ने बोला है बहुत अच्छी बात है, मगर हम सब जो है दर्शक हैं सभी के लिए हिंदुस्तान के गवर्नमेंट के साथ रहना चाहिए और सबको अपनी सुरक्षा जरूरी है। भोजपुरी इंडस्ट्री से क्या सूचना देंगे दर्शकों को? भोजपुरी के दर्शकों को इससे वायरस से बच के रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए और जो चीज़ है केमिकल से हाथ साफ करें और गले ना लगें, हाथ ना मिलाएं थोड़े दिन के लिए जो गवर्नमेंट के, हाँ वो नमस्ते करें। भारतीय सभ्यता पुरानी संस्कृति हमारी है, दूर से नमस्ते करते थे, ऐसे करें थोड़े दिन के लिए, प्रणाम करें, नमस्ते करें। ये रुद्रा फिल्म कंपनी है और वो उनकी पिक्चर है दिल तुझ पे कुर्बान, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी प्रोड्यूस कर रहे हैं आदिति रॉय और इसमें रितेश पांडे जी हैं, आयुषी तिवारी है, अभय तिवारी जी हैं, अमित शुक्ला है, दीपक सिन्हा है, अयाज खान है, सम्राट है, समर्थ सोनिया मिश्रा, बहुत अच्छी कास्टिंग है और इमोशनल सब्जेक्ट है, एक्शन है, फुल मनोरंजन जी। मुझे रितेश के साथ में बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा पुराने दिन हम लोगों के जैसे रवि के साथ काम करते थे वैसे ही हम लोग इसके साथ काम किए और बहुत अच्छा सुलझा हुआ एक्टर है और सिंगर तो आज की डेट में सबसे टॉप पे चल रहा है और मुझे तो बहुत मजा आया उसके साथ में। हाँ, अभय तिवारी जी मेरे भाई है और मेरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं, वो लगते ही नहीं नए हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी जी की जितनी तारीफ करूं बहुत अच्छा है। अभी हम लोगों ने एक गाना किया जो बहुत महंगा है, भोजपुरी लाइन में बहुत कम लोग शूट कर पाते हैं और संजय कुर्बे जी ने किया है कोरियर और आयुषी तिवारी एंड अभय तिवारी जी दोनों दो तीन दिन में गाना हम लोगों ने ख़त्म किया है और बड़ा लेविस शूट किया है। अब दूसरा गाना आज यहाँ कर रहे हैं मडाई लाइन पर, तो ये सैड सॉन्ग है आयुषी का। उनकी अभी इस साल की सबसे अच्छी जोड़ी रहेगी 2020 की, अभय तिवारी आयुषी तिवारी, हाँ पंडित हैं, जरूरी भी है और क्या जोड़ी चलनी चाहिए, जैसे रवि जी की नगमा की चली और पवन जी की चली, जोड़ियाँ चलती है और जिसकी जोड़ी बनती है वही लॉन्ग लाइफ चलता है, नहीं तो चिथरा देते हैं रायता तो फिर ढूंढते रहते हैं। क्या कुछ कहती है फिल्म की आपकी कहानी, किस तरह की कॉमेडी एक्शन बनाई? मेरी कहानी में एक चीज़ है कि इसमें बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज ये है कि परिवार सब दूर हो रहे हैं और इसमें जोड़ने की कोशिश की गई है, बहुत कुछ है इसको, पिक्चर को देखेंगे दर्शक लोग तब पता चलेगा। पानागढ़ में किया है, कलकत्ता में पानागढ़ में मैंने शूट किया है, बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है और जो आज भी उस गांव में हर आदमी पे मोबाइल है मगर घर कच्चे हैं, ये बड़ा हिंदुस्तान में अभी भी कच्चे घर है, बहुत अच्छा वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के लोगों ने बहुत सहयोग किया, हम लोगों ने शूट किया कम से कम 25-26 दिन शूट किया हम लोगों ने वहाँ, मगर बहुत अच्छा लगा मुझे तो। मधुकर आनंद जी है इसमें, मधुकर जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर और विनय बिहारी भैया हैं और कई लोगों ने लिखा है और सुपरहिट सॉन्ग है, अच्छा गाया है, 8 गाने हैं इसमें, अभय जी पे 3 गाने हैं और रितेश जी पे 5 गाने हैं।
IUCN रितेश जी इस पे। फिल्म के बाद और क्या कुछ नया कुछ प्रोजेक्ट आपका शुरू होने वाला है? अभी मैं एक इन्हीं को सोलो लो के कर रहा हूँ, अभय तिवारी जी को, भैया नीलकंठ, जो बहुत लेविस पिक्चर है और बजट भी उसका अच्छा है, और उसमें एक्शन कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सब्जेक्ट भी एक नया है कि भोजपुरी में बहुत कम लोग एक्शन तो बनाते हैं, एक्शन तो पवन जी की भी होती है, निरव भैया की भी होती है, और खेसारी की भी एक्शन पिक्चर है, मगर एक्शन के साथ में वही रिपीटेशन लगता है कि हम साउथ का चोरी कर रहे हैं, ऐसा लगता है, दर्शक भी ऊब जाते हैं। इसमें मैं कोशिश करूँगा एक्शन कुछ नया हो, कहानी एक बहुत अच्छी नीलकंठ की जो है, भैया नीलकंठ की, और अभय तिवारी सोलो इसमें हीरो हैं। और नहीं, टोटल चेंज हो गया है। रवि जी के टाइम का जो सिनेमा था वो अलग था, अभी का जो सिनेमा है वो बिल्कुल अलग है। सबसे पहले मैं बड़े उससे दुख के साथ कह रहा हूँ कि आज के टेक्नीशियन को तमीज़ नहीं है, ना किसी की इज्जत करना आता है, ना काम करना आता है, काम खाली लपेटना आता है, बोल वचन करना आता है। आज का टेक्नीशियन को खाली लपेटना है, टेक्नीशियन को सीखना नहीं आता है, बड़े का छोटे का कोई लिहाज नहीं है। ये बड़ा चेंज आया। पहले क्या है, चाहे कितने भी बड़ा एक्टर हो, कितने बड़ा डायरेक्टर हो, शूट शुरू करते थे, मिलते थे तो पैर छूना, इज्जत देना, मान सम्मान देना, एक बहुत सीनियर की एक सीनियरिटी जो होती थी उस चीज़ को बड़े उससे मानते थे। आजकल के जो पुंगी बांध लेते हैं, पीछे चश्मा लगा लिया, आई एम असिस्टेंट, आई एम एक्टर, फलाना वगैरह वगैरह जो करते हैं, वो बकवास है, और ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। यही वायरस की तरह है, ये ख़त्म होने वाला है। इसकी दवाइयाँ चालू की है डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों ने, एक्टरों ने, कि कुछ नए नए लोग आ जाते हैं। वायरस हर चीज़ में, जिसमें भी वायरस लगते हैं तो ख़त्म तो होती है बीमारी के, तो नए नए कैप्सूल आ जाते हैं जी। और कब तक फिल्म रिलीज करने का प्लान है? जून में करूँगा रिलीज़, दिल तुझ पे कुर्बान, उसके बाद फिर भैया नीलकंठ, और मैं संजय पटियालिया जी को नमस्कार करता हूँ कि मेरा भाई है और भोजपुरी का माना हुआ पत्रकार, मुझे बहुत सपोर्ट करता है और बहुत इज्जत देता है। ये पुराने में से आगे है, पुराना वायरस आगे। दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा देखो, सीखो, अपने परिवार को इकट्ठा करो, यही मैं कहना चाहता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.